हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ब्रिस्केट के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हम स्टूडियो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन कैसे क्रिएट करते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप ये ड्राइंग फाइल डाउनलोड करना चाह रहे हो प्रैक्टिस के लिए, तो इस फाइल का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं स्टूडियो ऑब्जेक्ट के अंदर डायमेंशन क्रिएट करना। तो जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देख रहे होगे, हमें काफ़ी सारी डायमेंशन शो कर रखी है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले वो डायमेंशन क्रिएट करेंगे जो कि हमारी यहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमेंशन है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये सभी हमारी हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमेंशन है। तो सबसे पहले हम इनको क्रिएट कर लेते हैं। तो इनको क्रिएट हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर लीनियर डायमेंशन कमांड का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये लीनियर कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर पॉइंट एज ए फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करेंगे। और फिर यहाँ पर ये जो सेकंड सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर कर्सर को ऊपर की तरफ मूव करते हैं और मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो ये हमारी डायमेंशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो अब हम दोबारा लीनियर कमांड को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ से भी इस कमांड को ले सकता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से भी मैं लीनियर कमांड को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पर ये डायमेंशन शो कर देते हैं इसकी। तो फर्स्ट डायमेंशन जो दे रखी है हमें यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट की दे रखी है। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर ये क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ये क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट डायमेंशन शो हो गई 46। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर दोबारा राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लीनियर डायमेंशन कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर ये एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर ये क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये डायमेंशन हमारी शो हो गई है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये डायमेंशन शो कर लेते हैं जो कि हमें यहाँ पर दे रखी है इन दोनों सर्कल के सेंटर की वर्टिकल डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर लीनियर डायमेंशन दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर ये सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पर ये सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर जैसे आप नीचे की तरफ कर्सर को मूव करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखाएगा इसकी। अगर आप कर्सर को इधर की तरफ अगर मूव करोगे तो ये इसकी वर्टिकल डिस्टेंस दिखाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसकी डायमेंशन यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो ये आ गई हमारी डायमेंशन 12। अब उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर डायमेंशन शो करने में यहाँ पर ये करनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा लीनियर डायमेंशन कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर ये, और फिर यहाँ पर हम रे डायमेंशन शो कर देंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये जो रेडियस की डायमेंशन शो कर रखी है ये क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर रेडियस डायमेंशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और सबसे पहले आप देख रहे होगे यहाँ पर ये रेडियस दे रखी है 16 की, जो कि हमारे इस सर्कल की रेडियस है। तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और कर्सर को थोड़ा मूव करता हूँ ऊपर की तरफ। तो ये हमारी डायमेंशन यहाँ पर शो हो गई है। अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट रेडियस दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर 12 की। तो हम यहाँ पर दोबारा ये कमांड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये क्लिक कर लेता हूँ। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर दोबारा राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये रेडियस सेलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये आर्क सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कर्सर को मैं यहाँ तक मूव कर लेता हूँ। तो ये हमारी रेडियस यहाँ पर शो हो गई है। अब उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होगे ये हमें डायमीटर दे रखा है 18 का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर 18 डाया दिखा रहा है, मगर यहाँ पर 2 और इफ डॉट लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे टाइप करेंगे, यहाँ पर इस डायमेंशन के ऊपर हम डबल क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर हम स्टार्टिंग में क्लिक कर लेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2 और इफ डॉट स्पेस बार, और उसके बाद में मैं यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर डायमेंशन के साथ शो हो रहा है। दोबारा हम यहाँ पर रेडियस डायमेंशन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर मूव करता हूँ मैं इस ड्राइंग को थोड़ा नीचे की तरफ। तो अब यहाँ पर मैं इस सर्कल की रेडियस शो कर देता हूँ यहाँ पर 21। अब उसके बाद में हम यहाँ पर दोबारा स्पेस बार की भी यूज़ कर सकते हैं यही कमांड रिपीट करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर ये सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी डायमेंशन मैं यहाँ पर ये शो कर देता हूँ। दोबारा स्पेस बार दबाएंगे, यहाँ पर ये सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी डायमेंशन यहाँ पर शो कर देते हैं। तो अब उसके बाद में यहाँ पर ये जो इनर सर्कल है इसकी डायमेंशन हम यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर अंदर की तरफ भी शो कर सकते हैं इसको। दोबारा मैं यहाँ पर स्पेस बार दबाता हूँ और यहाँ पर ये जो सर्कल दे रखा है इसकी डायमेंशन हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर ये डायमेंशन शो कर लेते हैं यहाँ पर ये, जो कि फ्लेट की रेडियस है। अब दोबारा स्पेस बार की दबाएंगे और यहाँ पर ये डायमेंशन यहाँ पर शो कर लेते हैं।
और दोबारा स्पेस बार की दबाएंगे और ये डायमेंशन यहाँ पर शो कर लेते हैं। तब उसके बाद में हमें यहाँ पर ये डायमेंशन और क्रिएट करनी है जो कि हमें डायमीटर के अंदर दे रखी है, और साथ में हम यहाँ पर ये डायमेंशन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इस डायमेंशन को शो करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अलाइन डायमेंशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये सिलेक्ट कर लेंगे, सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे, और कर्सर को मैं यहाँ पर मूव करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर डायमेंशन क्रिएट हो गई है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये डायमीटर की डायमेंशन क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डायमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पर आउटर सर्कल का डायमीटर शो कर देता हूँ यहाँ पर। अगर आपको इस डायमीटर की डायमेंशन के अंदर ये लाइन अगर नहीं चाहिए जो कि हमारी यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आपको ये लाइन अगर शो नहीं करनी तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर ये डायमेंशन सेलेक्ट कर लेंगे, प्रॉपर्टी पैनल के अंदर जाएंगे और फिट के अंदर हम यहाँ पर डायमेंशन लाइन फर्स्ट ये ऑफ़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ऑफ़ कर लेता हूँ। अब दोबारा हम यहाँ पर डायमीटर डायमेंशन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये इनर सर्कल की डायमेंशन यहाँ पर शो कर लेते हैं, और यहाँ पर भी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिट के अंदर मैं यहाँ पर डायमेंशन लाइन फर्स्ट ऑफ कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर दोबारा डायमीटर डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये सर्कल का सेगमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा कर्सर को मूव करेंगे और फिर यहाँ पर ये क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये जो आर्क की शेप आई है इस सर्कल के आउटसाइड में, यही शेप हमारी यहाँ पर भी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी सभी डायमेंशन क्रिएट हो गई है। अभी यहाँ पर सिर्फ एक डायमेंशन बची है जो हमें यहाँ पर शो करनी है, वो है हमारी यहाँ पर इस सर्कल की डायमेंशन। तो उसके लिए हम यहाँ पर डायमीटर डायमेंशन कमांड दोबारा लेंगे और यहाँ पर इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसकी डायमेंशन हम यहाँ पर भी शो कर सकते हैं या यहाँ पर भी शो कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये 2D ऑब्जेक्ट की डायमेंशन शो करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। टाटा बाय बाय।